फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 5 मार्च 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ भी रहेगी। स्पेशल नॉलेज में नाटो को हम डिस्कस करेंगे और स्टेट में एमपी को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जी के में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और अब देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। आत्मविश्वास की शक्ति से बिखरी हुई दुनिया को भी समेटकर सुंदर बनाया जा सकता है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आपके लिए कितना भी कठिन कार्य हो, कितना भी ऊंचा मुकाम हो, हासिल करना आसान हो जाता है। आपके मन में विश्वास है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मन में हमेशा विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वाला न्यूज देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी, जनौषधि सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है। तो 1 मार्च से 7 मार्च 2020 तक जनौषधि सप्ताह मनाया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से फिक्स सॉल्यूशंस एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि आर्थिक वृद्धि दर कितनी है। तो वो है 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्यूज से, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के परिचालन के लिए पश्चिमी रेलवे के से किस लग्जरी ट्रेन का कार्यभार संभाला है। तो वो है गोल्डन चेरी 8, ठीक है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने परिचालन के लिए पश्चिमी रेलवे के गोल्डन चैरियट जो लग्जरी ट्रेन है उसका कार्यभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च भार प्रबंधन में नवाचार के लिए स्मार्ट सिटी एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2019 का विजेता कौन है। तो वो है TSS PDCL, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो व्यक्ति विशेष से रहेगा। नई दिल्ली में 2 मार्च 2020 को बर्ड मार्केटिंग समिट इंडिया 2020 द्वारा दिए गए कोटलर अवार्ड में इमर्जिंग वुमन CEO ऑफ द ईयर के पुरस्कार विजेता कौन बनी है। तो वो बनी है तानिया सूद। ये है हाउस ऑफ अयानाथ की जो CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा साहित्य के आतिशबाड़ी जगन्नाथ जो दास पुरस्कार है उसके विजेता कौन बने हैं। तो वो बने हैं बिना पानी मोहंती। ये ओडिया लेखक हैं और कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा दिए गए 128वें कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के विजेता कौन है। तो वो हैं जादव पायेंग। ये हैं असम के जोराहाट जिले के रहने वाले 57 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी रंगमंच के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाने वाले महाराष्ट्र सरकार के पुरस्कार का नाम किस प्रसिद्ध अभिनेता के नाम पर रखा गया है। तो वो रखा गया है स्वर्गीय श्री राम लागू के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराकू उत्सव का समापन 1 मार्च 2020 को कहाँ पर हुआ था। तो अराकू घाटी विशाखापत्तनम जिला आंध्र प्रदेश में अराकू उत्सव का समापन हुआ था, ओके। नेक्स्ट जो है न्यूज़ फॉर्म हुई है उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 1 मार्च 2002 को। ललित कला अकादमी या राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना हुई 5 अगस्त 1954 को। स्थान नई दिल्ली है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस वर्ष अधिनियम बनाया गया था। तो ये 1985 में अधिनियम बनाया गया था। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो 1 मार्च 2012 को भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ओके। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे खबरी ऐप पर जाकर वहां फॉलो कीजिए और वहां से ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां से वीडियो देखिए, वहां से ऑडियो सुनिए, तो आपका 100 टाइम बेटर तैयार हो जाएगा, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। अब न्यूज़ देख लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में टैग किया गया है। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध गंगा डॉल्फिन को 2 मार्च 2020 को भारत की केंद्र सरकार द्वारा एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में टैग किया गया था। अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के चारों ओर 0 से 2 किलोमीटर तक का क्षेत्र अभी इको सेंसिटिव जोन होगा, ठीक है। ये हमने कल आपको बताया थी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है उसमें इको सेंसिटिव जोन रहेगा जिसे टैग कर दिया गया है, ओके। तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की अगर कैपिटल पूछी जाए तो भोपाल है। CM पूछे जाएंगे तो कमलनाथ जी हैं और राज्यपाल पूछे जाएं तो लालजी टंडन जी हैं, ओके। अभी जल महोत्सव मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था,
और भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का स्राव हुआ था, तो वो भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना एक स्वैच्छिक और योजना आधारित केंद्रीय एक्टर योजना है जिसमें 18 से 40 वर्ष के आयु के दुकानदार, स्वनियोजित व्यक्तियों और खुदरा व्यापारियों को न्यूनतम 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना का जो उम्र रखी गई है कितनी रखी गई है, तो वह रखी गई 18 से 40 वर्ष के लिए। ओके, इसमें कितनी राशि जो है पेंशन के रूप में दी जाएगी, तो वो 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। ओके, और ये किसके लिए रखी गई, तो लघु व्यापारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानों में वाईफाई। 2 मार्च को भारत सरकार ने भारत में कार्यरत एयरलाइंस कंपनियों को अपने विमानों में इनफ्लो वाईफाई सेवा को प्रदान करने की अनुमति दे दी है। यात्रियों को अधिक आरामदायक और मनोरंजक उड़ान देने के लिए ऐसा किया गया था। विस्तारा भारत में यह सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन होगी। तो ये तो हमने कल आपको बताया था, बोइंग 787 9 और विस्तारा एयरलाइंस जो है भारत में पहला वाईफाई प्रदान करने वाला कंपनी बन गई है। ब्लू डॉट नेटवर्क एक पहल है जिसका उद्देश्य गुणवत्ता बुनियादी ढांचा निवेश प्रदान करना है जो पारदर्शी, सामाजिक रूप से टिकाऊ, आर्थिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। इस परियोजना के भागीदार अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हैं। यह सड़क निर्माण, बंदरगाहों, पुलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी कंपनियों और नागरिक समितियों को एक साथ लाएगा। अब ब्लू डॉट नेटवर्क है, ये पूछ लिया जाता है ये क्या वर्क करेगा, तो ये क्या करेगा, सड़क निर्माण, जो पोर्ट बनेंगे, पुल बनेंगे, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकारी और जो प्राइवेट कंपनी है उनकी नागरिक समितियों के साथ एक साथ ले आएगा। और इसमें भागीदार कौन कौन है, तो इसमें अमेरिका भागीदार है, भारत भागीदार है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा और करेंसी हो जाती है डॉलर, और जापान की करेंसी है एन, और जो कैपिटल है वो है टोकियो। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिए वित्त मंत्री ने विधेयक पेश किया है। भारत की वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए बैंकीय विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। यह बिल भारतीय रिजर्व बैंक की सहकारी बैंकों को विनियमित करने और पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंकों लिमिटेड घोटाले जैसे घोटालों को रोकने के लिए अधिशक्त देगा। अब पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनेगा, वित्त मंत्री जो हैं वह कौन है, तो वो निर्मला सीतारमण जी, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है नॉर्थ कर्नाटका। ओके, अब इनसे क्वेश्चन बन जाता है, ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं, और ये पहली पूर्णकालिक महिला, प्रथम महिला वित्त मंत्री, और ये रक्षा मंत्री भी पूर्व में रह चुकी हैं। ओके, तो ये तो इनके लिए क्वेश्चन हो गया। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, तो इनकी 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ था। गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, मुख्यालय मुंबई में है। ओके, अब बैंकिंग विनियमन अधिनियम संशोधन पेश किया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा। क्यों पेश किया गया है, कि यह बिल क्या करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक को सहकारी बैंकों को विनियमित करने और पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंकों लिमिटेड घोटाले जैसे घोटालों को रोकने के लिए अधिशक्त देगा। ओके, अधिक शक्ति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमा 900 रुपये प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने 3 मार्च को घोषणा की, सरकार अपने घरों में आवारा पशुओं को रखने को हर महीने 900 रुपये देगी। आश्रमों के विकास और रखरखाव पर सालाना 109 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के CM हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि हम जो आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं उन्हें अगर कोई अपने घर में संरक्षित करेगा या संरक्षण करेगा उनका, तो 900 रुपये प्रतिमा दिए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने 109 करोड़ रुपये खर्च किए हैं एक वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ने सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए। अब लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने भारत में कुपोषण को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का नाम है सुपोषित माँ अभियान।
जो राष्ट्र में किशोरियों और गर्भवती महिलाओं का समर्थन करेगा। यह अभियान राजस्थान के कोटा से शुरू किया गया था, लेकिन यह पूरे देश को कवर करेगा। प्रत्येक परिवार की एक गर्भवती महिला को गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, आटा, गुड़, दलिया, दाल, घी, मूंगफली, चावल और खजूर आदि जैसे पौष्टिक पदार्थ दिए जाएंगे। पहले तो आपको ये योजना याद रखनी है, सुपोषित माँ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो श्री ओम बिरला जी के द्वारा। कहाँ शुरू किया गया है, कोटा। इसके द्वारा क्या क्या दिया जाएगा, तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरे के आटा, गुड़, दलिया, दाल, घी, मूंगफली, चावल और खजूर आदि पौष्टिक पदार्थ गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे। ओके, ओम बिरला जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वह भी कोटा, राजस्थान है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ गई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। यह उनकी सर्वोच्च रैंक है 2003 के बाद। टीम को यह रैंकिंग FIH हॉकी प्री लीग प्रो लीग में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद मिली। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम ने 9वीं रैंक प्राप्त की है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो FIH रैंकिंग है हॉकी में वो चौथी, और महिला हॉकी टीम की जो रैंक है वो 9th प्लेस है। ओके, अब बात करेंगे स्टेट के। स्टेट में पहला जो कल हमने त्रिपुरा को डिस्कस किया था, आज करेंगे डिस्कस मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल, सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर। इंदौर से आपको याद रखना है सबसे स्वच्छ शहर का क्रेडिट इसी शहर को जाता है। जिले हैं 52, राजभाषा हिंदी और सिंधी है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्यपाल जो हैं लालजी टंडन हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं जो कि कांग्रेस सरकार से आते हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं 231 हैं और संसद राज्यसभा मतलब कि राज्यसभा की सीट जो हैं 11 हैं और लोकसभा की सीट 29 हैं। तो जिले हैं 52, लोकसभा की सीट 29 हैं और राज्यसभा की सीट जो हैं 11 हैं। उच्च न्यायालय जो हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर और खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में है। ओके, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो तो जबलपुर में, अगर खंडपीठ पूछ ली जाए तो इंदौर और ग्वालियर में है। मुख्य न्यायाधीश अभी जो वर्तमान में वो हैं अजय कुमार मित्तल जी। अब मध्य प्रदेश की सीमाएं जो है 5 राज्यों से मिलती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, पश्चिम में गुजरात से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। हाल के वर्षों में राज्य के घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद है विकास राष्ट्रीय औसत दर सबसे ऊपर रही है। जो GDP इनकी है वो सबसे ऊपर रही है। खनिज संसाधनों में से समृद्ध मध्य प्रदेश, हीरा जो है वहाँ पन्ना जिले में मिलता है। तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अपने क्षेत्र की 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। इसके पर्यटन उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई है। राज्य ने बस 2010-11 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी जीता था। ओके, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं। उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मतलब कि सिंहस्थ छिप्रा नदी के तट पर मेले का पुण्य पर्व विश्व स्तर का प्रसिद्ध है। देखो, क्वेश्चन बनता है कुंभ मेले से कि जो उज्जैन में मेला लगता है वो किस नदी पर लगता है, छिप्रा नदी पर। ओके, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। ये जो हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसका पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का सर्वाधिक घनत्व जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पशु जो है वो है चीतल। रीवा जो एक जगह है उसको सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जीव मंडल और संरक्षण मतलब बायोस्फीयर रिजर्व भी है मध्य प्रदेश में। तो पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व, अचन कमार बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे। और टाइगर रिजर्व है कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, संजय टाइगर रिजर्व है। ओके, तो ये मध्य प्रदेश से जितने भी न्यूज़ फॉर्म हो रहे थे हमने सारे इसमें फॉर्म कर दिए हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, तो बात करेंगे नाटो की। द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, बहुत अच्छे से याद रखिए। द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्यालय याद रखना नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सदस्य देश जो है 30 हैं। आधिकारिक भाषा यहाँ की फ्रांसीसी है और अंग्रेजी है।
महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं और सैन्य समिति के अध्यक्ष जो हैं ग्याम पाओलो दी पाओला हैं। ओके, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नाटो कहते हैं संक्षिप्त में, एक सैन्य संगठन है। एक संगठन के सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई जिसके तहत सदस्य राष्ट्र बाहरी हमले की स्थिति को सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं। नाटो का 30वां सदस्य मैसेडोनिया है जो कि 6 फरवरी 2019 को बना था। अब बात करेंगे स्ट्रैटेजी की कि इसमें गेट का मुख्यालय कहाँ है, तो गेट का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनईपी का मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय वो कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अब एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को देख लेते। रूस के पूर्व शासकों को क्या कहा जाता था, तो रूस के पूर्व शासकों को जार कहा जाता था, जार कहा जाता था। पंचतंत्र किताब के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र किताब के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव जी कुछ सिखों के पहले गुरु थे। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इकाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब केंद्र शासित प्रशासन का जो नियुक्त केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन किया जाता है वो किनके द्वारा किया जाता है, तो जो राष्ट्रपति उपराज्यपाल नियुक्त कर देते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुए हैं गिरीशचंद मुर्मू जी, लद्दाख में नियुक्त हुए हैं आरके माथुर जी, तो ये उपराज्यपाल हैं वहाँ के। और दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जी, तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए हैं और ये ही प्रदेश का प्रशासन करते हैं। ओके, इन्हें प्रशासक भी कहते हैं। भारत की पहली मोनोरेल कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, तो वो मुंबई में प्रारंभ हुई थी। प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो वो थे बाण भट्ट जी। ओके, पृथ्वी का व्यास सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होता है। अन्न के पाचन के लिए पेट में कौन से अम्ल का श्रावण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक HCl का श्रावण होता है। ओके, नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो पश्चिम दिशा में बहती है। शांति निकेतन कहाँ अवस्थित है, तो शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आई होप अच्छा ही लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू, ये जो खबरी ऐप है वहाँ पर जाइए, वहाँ फॉलो कीजिए और ऑडियो रिवीजन ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। ओके, आपका काफ़ी बेनिफिट होगा, वहाँ से 4 से 5 मिनट का ऑडियो होता है, वहाँ से सुनिए, यहाँ वीडियो देखिए, तो आपकी सारी न्यूज़ेस रिवाइज हो जाएंगी एकदम से। ओके, एंड अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।